वाह पापा, सर से बहुत बड़ा टेंशन दूर हो गया। पता चल गया कि अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है और ये चेक असली है, नकली नहीं। यस यस, नहीं नहीं, सच में मानना पड़ेगा, ये जिसने भी दान दिया है वो गणपति बाप्पा का बहुत बड़ा भक्त लग रहा है। अरे इनफैक्ट इतना बड़ा डोनेशन देना किसी छोटे मोटे भक्त का काम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, चलो अभी सोसाइटी चलते हैं, खुशखबरी सबको देते हैं। और सोसाइटी वाले ये खुशखबरी सुन के खुशी के मारे डांस करने लगेंगे। और इनफैक्ट मेरा तो अभी डांस करने का मन कर रहा है। तो करो करो, रोको मत, करो करो। साइंटिस्ट है तो अरे त्याला कळायला नको, मी काय सांगेन। अरे सर क्या करें आप? हैप्पी डांस बिकॉज आई एम हैप्पी। थोड़ा खेत के बाजू में कीजिए ना। तपली को बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस आ जाओ, बंद कर दो मशीन, बस चलो अभी चले। हाँ, और ज्यादा ज्यादा चेक डिपॉजिट कर देंगे। नहीं कर सकते यार। क्यों? अरे विसर्जन के दो दिन पहले की डेट डाली हुई है ना। तो तुम दोनों सोसाइटी पहुंचो, मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। अरे मेरे को भी ऑफिस जाना है। अच्छा ठीक है, चलो चलो। हाँ, रात को आरती के बाद मिलते हैं। हाँ मिलते हैं, मिलते हैं, सबको बताना, मजा आएगा यार। कितने भोले हैं ये गोकुल धाम वाले। 21 लाख का चेक देख के सब बावरे हो गए होंगे। क्या बात है विकी, तुम्हारा तीर तो परफेक्ट निशाने पे लगा है। हाँ, अभी चेक मिलने की खुशी पे गोकुल धाम वाले सब नाचेंगे झूमेंगे फिर चक्कर खा के गिर जाएंगे। अब तो गोकुल धाम वाले गए काम से। वाह विकी, तुझे तो मान गए, क्या सॉलिड प्लान बनाया है तूने। सॉलिड प्लान बनाना ही पड़ेगा, हर कोई गोकुल धाम के गणपति बापा की बात कर रहा है। क्या मस्त है गणपति बापा, क्या गोकुल धाम के गणपति बापा। लेकिन इस साल गोकुल धाम वालों की इतनी बदनामी होगी, इतनी बदनामी होगी कि फिर कोई भी उनके गणपति दर्शन के लिए वहां नहीं जाएगा। अरे गणपति क्या, अब से गोकुल धाम में कोई भी त्योहार होगा कोई नहीं जाएगा। रे भाई ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। गोकुल धाम वाले गए काम से। मेरे अंकल बैंक से अभी तक नहीं आया, पता नहीं चेक का क्या हुआ होगा। आई होप कि कोई गड़बड़ ना हो, किसी ने मजाक ना किया। ओए भिड़े अंकल आ गए। अरे भिड़े काय काय झालं बैंक मध्ये, जल्दी बताइए ना, गुड न्यूज ही है ना। हाँ भिड़े अंकल बताइए ना। देखिए यहाँ पे काफी सारे लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, बता दूं मैं, आइए इस तरफ आइए। हाँ सुनिए, मैं जेठालाल और अय्यर बैंक मैनेजर से मिले, उनको बहुत रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने हमें बताया कि जिस व्यक्ति ने हमें ये चेक दिया है उस व्यक्ति के अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस है। मतलब हम 21 लाख का चेक बैंक में डाल सकते हैं। मतलब चेक नकली नहीं असली है। हाश, चलो अच्छा ये कोई फ्रॉड नहीं है। अरे क्या हुआ बच्चा, तुम सब लोग नाच क्यों रहे हो? दादाजी वो जो 21 लाख का चेक मिला है ना। वो जो 21 लाख का चेक मिला है ना, वो चेक असली है, किसी ने मजाक नहीं किया है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैं तो कहता हूँ हम सब मिलकर भागना पाते हैं, मैं अभी डोल लेकर आता हूँ। जरा शांति रखो गोगी, शांति रखो, अभी से इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों खुश क्यों नहीं हो सकते? इन पैसों से तो जरूरतमंद बच्चों का भविष्य बदलने वाला है, तो खुश तो होना ही है ना। हाँ बरोबर है रोशन भाभी, लेकिन पता है ना लेटर में क्या लिखा है? लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये 21 लाख के दान की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए।
इसीलिए ये बात हम सोसाइटी मेंबर्स के अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ओके ओके, मैं अभी तारक को एक खुशखबरी देती हूँ। मैं भी हंस को बोल देती हूँ और मैं रोशन को बताती हूँ। सच कहूँ तो हम सब पे गणपति बापा की कृपा है, जो लोगों की सेवा करने के लिए बापा ने हमें चुना। चाचा जी सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। एक शिष्य का सबसे बड़ा सपना होता है उसके विद्यार्थी का उत्कर्ष, और उसमें भी जो वंचित है, जिनके पास गुण है लेकिन पैसे नहीं है, ऐसे विद्यार्थियों को उनके सपनों को साकार करने के लिए मदद करना, मतलब साक्षात सरस्वती माँ की पूजा करने जैसा है। जी बरोबर। अभी इन पैसों से बहुत सारे जरूरतमंद बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। एक बात कहो भीड़ मास्टर, मुझे तो ये सब गणपति बापा की कोई लीला लगती है। 21 लाख का गुप्त दान मिला है, इसके पीछे जरूर कोई लीला है। हाँ करोर। सेकंड। अभी रात की आरती के बाद आगे की प्लानिंग करते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, गणेश जी भी कितनी भी आरती कर लो, अब तो कोई नहीं बचा पाएगा। गोकुलधाम वाले तो खाएगा। लूडो खेलो जल्द सा करो, डाउनलोड एंड प्ले नाउ।